स्वागत हमारे सिटीकल चैनल पर। तो आज का टॉपिक है गीजर वायरिंग। तो गीजर वायरिंग के बारे में चले जानते हैं। तो गीजर आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो गर्म पानी करने के लिए इस गीजर का उपयोग ठंडी के दिनों में करते हैं। तो चलिए जानते हैं गीजर में होने वाले पार्ट के नाम। तो एक होता है थर्मोस्टेट और एक होता है ऑटो कट ऑफ, और इसमें दो इंडिकेटर होती है, एक ग्रीन होता है एक रेड होता है। इसमें दो पुश बटन होते हैं, एक स्टॉप का होता है एक स्टार्ट का। इसके साथ होता है कॉइल जो हीटिंग का काम करता है। तो चलिए वायरिंग करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले न्यूट्रल का काम को खत्म करेंगे। न्यूट्रल को ले आएंगे और डायरेक्ट कॉइल पे एक पे दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ से ग्रीन इंडिकेटर को दे देंगे और यहाँ पर स्टार्ट पुश बटन को, और यहाँ पर रेड इंडिकेटर और स्टॉप पुश बटन को न्यूट्रल दे देंगे। तो यहाँ पर न्यूट्रल प्रोवाइड करा दिया गया। अब आता है मेन फेस का काम। तो चलिए फेस का वायरिंग करते हैं। तो यहाँ से हम फेस निकालेंगे और फेस को यहाँ से एक पॉइंट दे देंगे थर्मोस्टेट के, और थर्मोस्टेट के सीरीज से मतलब निकाल कर इसको ऑटो कट ऑफ से दे देंगे, और फिर यहाँ सीरीज से निकाल कर इसको हम दे देंगे कॉइल के एक वाले पॉइंट में। तो यहाँ पर फेस न्यूट्रल सेम टकराव होने के कारण तो यह एलिमेंट हिट हो जाएगा और पानी को गर्म करने लगेगा। तो स्टॉप पुश बटन को यहाँ से फेस देंगे, ठीक है, दोनों के बीच से, ठीक है। और इंडिकेटर होता है इसको शुरू वाले पॉइंट से देंगे, और स्टार्ट पुश बटन होता है उसको हम बीच से देंगे, ग्रीन इंडिकेटर को लास्ट से देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी का वायरिंग कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठा होगा कि थर्मोस्टेट क्या है। थर्मोस्टेट वो होता है जो 0 से 50 तक टेम्परेचर इसमें बना होता है, जिसको हम जो इसमें रेगुलेटर होता है, रेगुलेटर को घुमाकर जहाँ पर पॉइंट लाना होगा, जितना सेल्सियस रखना होगा वहाँ पर लाकर उसको कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं थर्मोस्टेट। तो थर्मोस्टेट के रेगुलर पॉइंट को हम मान लीजिए 30 पर रखे हैं। पानी का टेम्परेचर 30 आने पर यह क्या कर देगा, कट आउट कर देगा सप्लाई को। तो ऑटो कट ऑफ का यूज यह होता है कि यदि थर्मोस्टेट 30 डिग्री सेल्सियस पर न रुके, यदि यह खराब हो जाए तो वहां पर काम आता है ऑटो कट ऑफ। तो यह क्या करता है, 70 डिग्री सेल्सियस लास्ट होता है, उसके बाद हवा आने पर पानी का तो उबलने लगता है, जिससे त्वचा को हानि पहुंचा सकता है। इसलिए ये क्या करता है, 70 डिग्री सेल्सियस होने पर यह ऑटोमेटिक सप्लाई को कट आउट कर देता है, जिससे गीजर भी बच जाते हैं और मनुष्य भी बच जाते हैं। तो इस प्रकार से यह कट आउट ऑफ और थर्मोस्टेट काम करते हैं। तो गीजर में दो इंडिकेटर का यूज क्या है, यदि पानी गर्म होता रहेगा तो ये दोनों इंडिकेटर जलते रहेंगे। जैसे ही पानी गर्म हो गया या फिर जितना सेल्सियस रखे उतना आ गया, तो क्या होता है, रेड वाला बंद हो जाता है तो ग्रीन जलते ही रहता है। क्या होता है कि ग्रीन जलते ही रहता है, यह बताता है कि ये पानी गर्म हो गया है तो आप आकर नहा सकते हैं। तो इस प्रकार से गीजर का वायरिंग किया जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज के इतने गए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।